नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी, और आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी चल रही होगी। एग्जाम डेट आ चुकी है 7 मार्च को, और आप सभी तैयारी में जुट गए होंगे जोरों शोरों से। तो दोस्तों अब से मेरा एम ये रहेगा कि आपको डेली 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाए एग्जाम के रिलेटेड, और ये जो बचे हुए दिन है इनमें आपकी तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और ये मैटर करेगी कि आपके सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो बचे हुए दिन है यही मैटर करेंगे कि आप सिलेक्ट होते हो कि नहीं होते। तो बचे हुए दिनों में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आपके लिए डेली आपके लिए 2 से 3 वीडियो मैं लाऊंगा, मेरा एम आपसे यही है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पे, और बचे हुए दिनों में मुझे पता है कि आपके लिए लॉन्ग सिलेबस पढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। तो शॉर्ट करके मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली लाता रहूंगा, वो आप पढ़ते रहिए तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो गए आप एग्जाम में। तो दोस्तों बिना टाइम गए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास है, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर या फिर दौसा। जल्दी से आंसर सोच लीजिए, 2-4 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताना है, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन 168 किलोमीटर, दूसरा 464 किलोमीटर, तीसरा 264 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर 4, 368 किलोमीटर। 2-4 सेकंड आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 464 किलोमीटर। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे हैं, 11%, 14%, 15% या फिर 10.41%। फटाफट से आंसर सोच लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, या आपके लिए एक मॉक टेस्ट टाइप का भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 10.41%। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, वो है, उत्तर प्रदेश का निम्न में कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? ठीक है, उनमें से आपके चार ऑप्शन है, मथुरा, इटावा, मैनपुरी या फिर फरीदाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, मथुरा। अब चलते हैं दोस्तों आज के हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर, वो है, रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है कहां से कहां तक है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है हिंदुमल कोट जो कि श्रीगंगानगर में है, श्री सहागढ़ वहां से लेकर सहागढ़ तक है जो कि आपका गुजरात के अंदर है, या फिर दूसरा ऑप्शन कोणा गांव फिर से श्रीगंगानगर से शाहगढ़ जो कि जालौर में, या फिर तीसरा ऑप्शन हिंदुमल कोट जो कि श्रीगंगानगर से बांकासर जो कि है बाड़मेर में, बाड़मेर के अंदर, या फिर चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आंसर सोच लीजिए इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बांकासर जो कि बाड़मेर के अंदर है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे हैं, पहला 1050 किलोमीटर, दूसरा 1000 किलोमीटर, तीसरा 2000 किलोमीटर या फिर चौथा 1070 किलोमीटर। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 1070 किलोमीटर। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर जो कि आपका नीचे है, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से सही आंसर देना, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है 60 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 9 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 10 डिग्री सेल्सियस या फिर चौथा 8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 9 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर जो कि आपका नीचे है, राजस्थान का दक्षिण में विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? यानी बांसवाड़ा तो बता रखा है लेकिन बांसवाड़ा के किस स्थान तक है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है कोणा गांव, दूसरा है बोरकुंड गांव या जो कि है कुशलगढ़ में, तीसरा है सिलान गांव,
या फिर चौथा है भीम सर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बोरकुंड गांव कुशलगढ़। अब चलते हैं दोस्तों हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं लगती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 10, 9, 8 या फिर 7। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 10। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है तो कितना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट बताना। पहला देखिए 60 डिग्री 41 मिनट, दूसरा 5 डिग्री 12 मिनट, तीसरा 60 डिग्री 9 मिनट या फिर चौथा 4 डिग्री 16 मिनट। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 60 डिग्री 9 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 11वां। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, यह आपको बता रखा है, यह कितने किलोमीटर लंबी है यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला 80 किलोमीटर, दूसरा 89 यानी 89 किलोमीटर, तीसरा 82 किलोमीटर या फिर चौथा 90 किलोमीटर यानी कि 90 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 89 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया है। ऐसे अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सिलाना गांव, दूसरा कोणा गांव, तीसरा शाहगढ़ गांव शाहगढ़ और चौथा है हिंदुमल कोट। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, हिंदुमल कोट। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा एक क्वेश्चन और बन सकता है, कैसे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है आपका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है तो होगा इसका शाहगढ़। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई बीकानेर से लगती है और यह कितने किलोमीटर लंबी है यह आपको बतानी है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 168 किलोमीटर, दूसरा है 145 किलोमीटर, तीसरा है 150 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर 4, 67 यानी कि 67 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 168 किलोमीटर यानी कि 168 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14th क्वेश्चन, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब किया गया। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, कैसे। एक तो आपको यह पता चल गया कि 32वां जिला कौन सा बना था, वो बना था करौली। अब उसका गठन कब किया गया यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला ऑप्शन 1994, दूसरा 1997, तीसरा 1995 या फिर ऑप्शन नंबर 4, 1991। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1997 यानी कि 1997। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 15वां क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय विस्तार के अंतर में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कम करने पर कितना शेष बचेगा यह आपको बताना है। क्वेश्चन काफी टिपिकल है, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है 25 डिग्री अक्षांश, दूसरा है 30 डिग्री अक्षांश, तीसरा है 22 डिग्री अक्षांश या फिर चौथा ऑप्शन 28 डिग्री अक्षांश। जल्दी से आंसर सोच लीजिए इसका। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 22 डिग्री अक्षांश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, यानी जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर इन चारों में से कौन सा शहर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन देख लीजिए, कोटा, बीकानेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर। तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे 17वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है बीकानेर जिले के उत्तर में स्थित जिला है, यानी बीकानेर जिले के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर या फिर जैसलमेर।
तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 श्रीगंगानगर। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस शहर में सबसे बाद सूर्य अस्त होता है, यानी सूर्य अस्त सबसे बाद कौन से शहर में होगा। वो चार ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा बीकानेर या फिर चौथा जैसलमेर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में पुनः संभागीय प्रणाली कब लागू की गई, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 15 जनवरी 1988, दूसरा है 17 जनवरी 1987, तीसरा ऑप्शन 20 जनवरी 1983 या फिर ऑप्शन नंबर 4 17 जनवरी 1985। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 17 जनवरी 1987। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 20वां। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी आपको दो क्वेश्चन मिल गए कि राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था, जैसे 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो ये भी आपके लिए एक जीके का ही क्वेश्चन है। उसके बाद उसमें बताना है कि कुल जिले कितने थे। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 25, दूसरा 30, तीसरा 26 या फिर ऑप्शन नंबर 4 32। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 26। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आज के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन की जानकारी दे दूं कि आज इवनिंग का जो वीडियो होगा वो होगा कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए बचे हुए दिनों के लिए। तो वो अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल के साथ बन जाइए और इवनिंग में आ जाना, चैनल ओपन कर लेना, तो वो वीडियो आपके लिए इवनिंग में आ जाए। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।